हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिगनिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पलंग तोड़ का एक नया एपिसोड बेकाबू दिल। हमें ये वीडियो आप तक लाने के लिए जो इक्विपमेंट और हार्डवेयर का इस्तेमाल करा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है श्रेया से, जो कि अपने पापा के साथ अकेले घर में रहती है। पापा के सामने तो श्रेया एक संस्कारी लड़की है और उसके दिन की शुरुआत होती है योगा और मेडिटेशन से। पापा के जाने के बाद एक अलग ही श्रेया का रूप सामने आता है और वो अक्सर संवेदनशील वीडियोस देखते बेकाबू हो जाती है और वो खुद से खेलना शुरू कर देती है। आज भी उसी तरीके से, पहले तो वो हाथों का सही इस्तेमाल करती है और फिर मजा कम आने की वजह से आर्टिफिशियल हथियार निकाल लेती है। उसी दिन खाने के टेबल पर पापा उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे खुशी है कि तुम पूरी संस्कारी लड़की बनी हो। श्रेया अंदर ही अंदर मन में सोचने लगती है कि पापा मुझे जितना संस्कारी समझते हैं, मैं तो उतनी ही बिगड़ैल बिल्ली हूँ। पापा कहते हैं, मेरा दोस्त काम से शहर से आ रहा है, मैंने अपने ही घर उसे रुकने को बोल दिया है। और श्रेया सुन सोचने लगती है कि अब शायद मेरे आज़ादी के दिन खत्म होने लगे हैं। अब पापा का दोस्त तरुण घर आ जाता है और श्रेया उनके लिए चाय बनाकर ले आती है और फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसी रात तरुण को बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तरुण पानी पीने के लिए उठता है और वो श्रेया के कमरे से मस्त आवाजें सुनकर वो दंग रह जाता है। श्रेया के हाथ में हथियार देख उसकी अपनी बंदूक भी बेकाबू होने लगती है। अब तरुण की नींद पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और वो पूरी रात बेकाबू श्रेया के बारे में सोचने लगता है और अपने हथियार का सही इस्तेमाल करने लगता है। अगले दिन तरुण श्रेया के लिए नाश्ता बनाता है और नाश्ता बनाने के बहाने श्रेया से दोस्ती करता है और उसे इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश करता है। श्रेया को बुरा लगता है और वो तरुण को बुरा भला बोल कर निकल जाती है। तरुण के दिल और दिमाग पर श्रेया छाई हुई है और उसे उसी रात अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और श्रेया उसके कमरे में आ जाती है और वो दोनों पलंग तोड़ मस्ती में लग जाते हैं। काफी मस्ती के बाद जैसे ही उसके पापा बाहर से देख लेते हैं, वो अपनी बेटी को इस सिचुएशन में देख उसे गोली मार देते हैं और तरुण की नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है कि वो तो एक सपना था। तरुण श्रेया के बगैर सांड होने लगा है और वो अगले ही दिन श्रेया के कमरे में कैमरा लगा देता है और उसके कमरे के सारे दृश्य अपने कमरे से देखकर बेकाबू हो जाता है और वो अपने हाथ का सदुपयोग करने लगता है। अगले दिन तरुण वॉशरूम कैमरे से श्रेया को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में तसल्ली से देखता है। श्रेया तरुण के लिए चाय लेकर आती है और तरुण पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। श्रेया कहती है कि मेरी जैसी बहन जी लड़की का कौन बॉयफ्रेंड हो सकता है। तरुण के बार बार पूछने पर कि कोई तुम्हारा चक्कर तो नहीं है, और इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश भी वो लगातार करता रहता है। तरुण फिर रात को श्रेया के कमरे में आता है और श्रेया से पूछता है कि तुम्हारे को बहुत स्ट्रेस तो नहीं है। श्रेया कहती है कि हाँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है। तरुण श्रेया की मसाज करने लगता है और फिर तरुण उसे इधर उधर हाथ लगाने की लगातार कोशिश करता रहता है और श्रेया उसे झटक कर बोल देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तरुण श्रेया को उसकी बेडरूम की वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को साफ साफ बता दूंगा कि वो कितनी सती सावित्री है। तरुण कहता है कि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। श्रेया पूछती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर ये वीडियो मेरे पापा तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तरुण अपने कमरे में पहुंचकर श्रेया को फोन करता है और कहता है कि तुम उसी बिकनी में मेरे कमरे में आ जाओ, हम यहाँ मिलकर पलंग तोड़ मस्ती में लग जाएंगे। श्रेया कमरे में आ जाती है और वो शुरुआत में तो नखरे करने लगती है, पर बाद में पूरा इंजॉय करती है और मजे लेती है। और इसी के साथ ये कहानी का एंड होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमसे किसी और वेब सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।